हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम वापस से माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। सर्वाइवल सीरीज़ का अपना जो मतलब सर्वाइवल सीरीज़ है उसी को खेलने वाले हैं। और गाइज, आज की वीडियो हम बेसिकली करने वाले क्या हैं, आप लोगों को पता ही है। जब अपना एक जोम्बी एक्सपी फार्म बनाया था, उसके पास में ही एक स्पॉनर और था जो कि स्पाइडर का स्पॉनर था। तो आज हम गाइज उसी को एक और एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं जो कि हमारा स्पाइडर एक्सपी फार्म होने वाला है। तो आई होप आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है ज़रूर से लाइक कर देना, और जितने भी बंदे न्यू हो जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो चलो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज यार, फार्म बनाने से पहले अभी हमें यार अपना जितना भी सामान है यार, अपने जो इन्वेंट्री है उसको सबसे पहले यार खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं थोड़ा बहुत बाहर था अपने जो घर से, अपने मतलब जो हमारा घर था यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा दूर गया था, ऐसे ही थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने गया था। तो वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत अच्छी खासी लूट मिल चुकी है, तो जितना भी लूट वगैरह है हमारा तो मैं ये सबसे पहले यहाँ वहाँ रख दूँगा, बाद में आकर यार जितना भी लूट वगैरह है उसको मैं सॉर्ट कर दूँगा। तो हमारे पास अभी तुम लोग देख सकते हो ज़्यादा मैंने मतलब माइनिंग वगैरह नहीं किए, तो मैं तो सिर्फ एक्सप्लोर वगैरह मतलब करने गया था, तो इसलिए यार मैंने ज़्यादा वहाँ पर माइनिंग वगैरह पे नहीं गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाइस यार एक चैलेंज रखते हैं जिसमें अपन जो डायमंड है ना, आप लोगों को पता ही है जब हमने डायमंड माइनिंग की थी उस टाइम पर हमने चैलेंज रखा था, तो उस टाइम पर हमने 100 डायमंड के आसपास ऊपर ही मतलब माइन किए थे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ऐसा चैलेंज लें कि उसमें अपन ना 200 डायमंड माइनिंग करें। तो तुम लोग ज़रूर से बता देना क्या तुम लोग यार ऐसी वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो 200 डायमंड माइन करने के लिए। और तुम लोगों को पता ही है डायमंड माइनिंग करने के भैया हालत ख़राब होती है। मेरे को उस टाइम पे आई थिंक 100 डायमंड माइन करने के लिए यार 3 से 4 घंटे लगे थे 100 डायमंड फाइंड करने के लिए। भैया लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर तो हमारा सारा कुछ सामान बन चुका है, और मैं वहाँ पर भी आ चुका हूँ जहाँ पर हमारा स्पाइडर स्पोनर था। हमें सिर्फ एक दो हॉपर चाहिए थे, और तुम लोग देख सकते हो ये स्पाइडर स्पोनर कुछ ऐसी जगह है। तो अभी हमें करना क्या गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपन जो अपना वो वाला फार्म है ना जो हमने पहले बिल्ड किया था ज़ॉम्बी एक्सपी फार्म, ठीक है, तो उसकी तरह इसको मैं बिल्ड करूँ कि थोड़ा यार इसको डिफरेंट वे में बिल्ड करूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर 3 है, ओके, ये वाली साइड भी 3 है, ओके, तो मतलब ये वाली साइड 2 है ना, ओके, ये वाली साइड 2 है, तो ये वाली साइड 2 है, तो उस वाली साइड भी 2 हो गई। तो मैं काम कर लेता हूँ सबसे पहले यार ये वाली साइड में 3-4 मतलब कर देता हूँ मैं, 7 के आसपास मेरे को चाहिए ना, मैं पूरा इसको 7x7 का बनाना आई थिंक, तो मैं पूरा इसको क्लियर कर लेता हूँ 7x7 का बनाने के बाद, ठीक है गाइस। जल्दी से जल्दी मैं इसको पूरा यहाँ से क्लियर करता हूँ, तो अच्छा खासा तो टाइम लगने वाला है यहाँ पर इसको पूरा मतलब क्लियर करने में, क्योंकि हमारा जो पहले वाला एक्सपी फार्म था वो अच्छे जगह पर था, ये वाला थोड़ा मतलब पूरा ज़्यादा मतलब घटिया प्लेस पे है, क्योंकि यार यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यार तकरीबन यार 2 साइड से तो खुला है, तो इसको फिल करने में तो मैं यहीं पर सारा कुछ लगने वाला है। ओके, तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ यहाँ पर हमारा कितना बनाना है। तो अभी मैं यार क्या एक काम कर लेते हैं गाइस, इसको मैं थोड़ा न्यू वे में बिल्ड करता हूँ, ठीक है। हमने जो पहले वाला एक्सपी फार्म था ना, आप लोगों को पता ही है कैसे बिल्ड किया था, अगर आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो गाइस। तो इसको हम थोड़ा बहुत इसको डिफरेंट मतलब बिल्ड करेंगे, जो हमने पहला वाला बिल्ड किया था ना वो हमने आप लोगों को पता लग जाएगा मैं इसको कैसे बिल्ड करने वाला हूँ, आप लोग बस वीडियो पूरा अंत तक देख लो। मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ गाइस, इसको पूरा क्लियर करने के बाद मिलता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा टाइम दे दो। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने पूरे मतलब 3 साइड से तो अच्छा खासा क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर मैंने किया क्या गाइस, इसको मैंने 5 का गेम मतलब रखा है, जो हमारा एक्सपी है ना वहाँ से मतलब जो हमारा ये स्पॉनर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने हर साइड के लिए 5-5 रखे हैं, तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो अब तुम लोग को भैया करना क्या है, यहाँ पर तुम लोगों को एक्सपी के मतलब सॉरी स्पॉनर के नीचे जो तुम लोग को ब्लॉक मिलते हैं, तो इनको भी 3 ब्लॉक और नीचे आप लोगों को जाना है। तो मैं जल्दी से जल्दी फ्ला रहा है, इसको भी यार यहाँ पर क्लियर करने पे टाइम लगने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इसको भी क्लियर करना चालू कर देते हैं। तो 3 ब्लॉक आप लोगों को नीचे आना, ज़्यादा आप नीचे मत आना, बस 3 ब्लॉक आप नीचे आ जाना गाइस। तो जल्दी से जल्दी एक अंक लेते हैं, इसको पूरा यहाँ से अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं।
तो गाइस अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना, और गाइस कमेंट में ज़रूर से बताया करो आप लोगों को अगर कोई और मतलब सीरीज़ देखनी है माइनक्राफ्ट की, कोई और गेम के मैं चाहते हो कि मैं उसकी सीरीज चालू करूँ, तो उसके लिए ज़रूर से कमेंट किया करो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी एक तो गाइस फाइनली हमारा जो काम था वो तो कम्प्लीट हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा भी फिलहाल मतलब दिख रहा है। तो अभी हमें करना क्या गाइस, ये वाली जगह आने के बाद हमें यहाँ पर एक बकेट डाल देनी है पानी की, ऐसे जैसे मैंने डाला है। अभी मैं जस्ट मैं इसको सोच रहा हूँ तरीके से बनाऊं, तो क्योंकि मेरे को यार ये जितना भी पानी है ना सिर्फ एक लाइन में चाहिए, मतलब आगे पूरा ये स्ट्रेट आना चाहिए। तो तुम लोग देख सकते हो अभी तो फिलहाल ये मतलब लग रहा है कि स्ट्रेट आएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जहां पर मैंने अनलिमिटेड सोर्स वाटर बनाया तो यहां से जल्दी पानी में ले लेता हूं। ओके भैया इसको टाइम लगने वाला है, देखते अभी हमारा ये कैसा बनता है। पिछले वाला थोड़ा डिफरेंट बना था, अगले आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो भैया ज़रूर से देख लेना। पिछले वाला जो फार्म था ना वो भी अच्छा बना था, वो भी इजी फार्म, मतलब उसको भी बिल्ड करना इजी है, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है स्पोनर एक्सपी फार्म को बिल्ड करना। तो आप लोगों को भैया अगर वही वाला बिल्ड करना है तो आप लोग जाके हमारी सर्वाइवल सीरीज़ में देख सकते हो, 23 के 24 वाला एपिसोड है। तो क्या सर वहाँ पर मैंने पूरे ब्लॉक तोड़ दिया और तुम लोग देख सकते हो कुछ मैंने इस तरीके से इसको मैंने मतलब कर दिया पानी से, तो पूरा पानी तुम लोग देख सकते हो यहाँ तक आ रहा है। तो इसलिए यार यहाँ पर जो हमने अरे स्पाइडर वगैरह हैं तो वो इसमें गिर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फिलहाल तो अभी एक ब्लॉक पूरा नीचे आना है, उसके बाद हमें वापस से इसको दो ब्लॉक नीचे आना है। तो अभी मैं कुछ ट्राई करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ना यहाँ पर हमें एक पानी बकेट डालनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे को चेक करना है। तो मैं पीछे से पानी लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी अब यार वहीं पर जाना पड़ेगा। ओके तो जल्दी से जल्दी दो बकेट चाहिए मेरे को बस यार, मेरे को ट्राई देखना कि कहाँ तक मतलब जाएगा। ओके तो मेरे को ये वाली जगह जाना है ना, जब से पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से एक टॉर्च भी लगा लेता हूँ ताकि मेरे को दिखे आगे कुछ है कि नहीं। तो ओके तो भाई यार ज़्यादा हो गया ना, नहीं ठीक है दो ब्लॉक मेरे को नीचे वैसे भी चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ उसको पूरा दो ब्लॉक में नीचे कर लेता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा उसको मैं एक ब्लॉक नीचे करूँगा, ठीक है। तो इतना हमारा मतलब काम हो जाएगा। ओके इतना होने के बाद आप लोगों को गाइस यार कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक बकेट डाल देनी है, उसके बाद जो आपकी दूसरी बकेट होगी तो वो दूसरे वाली साइड डाल देनी है। तो यहाँ तक पानी आ रहा है बट यार गाइस ये सही नहीं बन रहा है, तुम लोग देख सकते हो गाइस ये कुछ सही नहीं बन रहा, क्योंकि मतलब तुम लोग कह रहे हैं मतलब इसके ऊपर हमारा जो वो है फार्म वो भी आ रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ गाइस, मैं सबसे पहले यार दो ब्लॉक लेके इसको मैं एक साइड से बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर हो जाएगा ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ थोड़ा और आगे चला जाता हूँ और यहाँ पर लगा लेता हूँ ब्लॉक। ओके तो ये वाली जगह ठीक है, तो यहाँ पर अभी आने के बाद मेरे को यहाँ से दो ब्लॉक नीचे एक ब्लॉक नीचे जाना है। तो ये बेसिकली यार अब जो हमारा पानी है वो आगे जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक मतलब देखते हैं कहाँ तक पानी आएगा, तो सबसे पहले मेरे को लगता है तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा। ओके तो यहाँ से मैं पूरा इसको मतलब यहाँ पर खोल लेता हूँ ब्लॉक्स। ओके तो गाइस यार देख रहे हो गाइस यार यहाँ तक तो पानी आ रहा है, तो अभी मैं आगे एक और ब्लॉक खोदना पड़ेगा ना। तो ओके ठीक बना है ना, तो लग तो रहा है कि ऐसे ठीक ही बनेगा, तो देखते हैं अभी हमारा आगे कैसा बनता है। तो मेरे को अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसको पूरा एक एक ब्लॉक वापस से देख लेता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हमारा जो फार्म है वो ऑलरेडी अब बन चुका है। तो अभी हमें करना क्या है, जो ये चार ब्लॉक हैं गाइस, तो यहाँ पर पूरा हमें थोड़ा बहुत नीचे जाना है। तो मैं देख लेता हूँ कितना ब्लॉक में नीचे जाऊँगा, ज़्यादा भी नीचे मत आना गाइस, मैं मतलब सिंपली यार उतना भी ज़्यादा नीचे मत आना, 3-4 ब्लॉक ही नीचे आना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर प्लेटफॉर्म जैसा भी मतलब थोड़ा बहुत अपना कमरा जैसा भी बना लिया है। तो अब हमें करना क्या गाइस यार, यहाँ पर दो चेस्ट लगा देने। तो दो चेस्ट लगाने का मैं भाई यार सबसे पहले इसको मैं तोड़ देता हूँ ऊपर से। ओके तो दो चेस्ट लगाने के बाद अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले एक और हॉपर लगा देने, चार हॉपर लगा देने। तो हमारे चार हॉपर लगने के बाद हमें और भी काम करना है। ओके तो यहाँ पर फिलहाल तो चार हॉपर लग चुके हैं, तो ये गया चौथा हॉपर, तो फाइनली चार हॉपर लग चुके हैं। तो हमारा जो फार्म है कंप्लीट हो चुका है, अब बस हमें क्या करना है गाइस यार ऊपर जाके इस टॉर्च वगैरह भी तोड़ देनी है। तो मैं सबसे पहले इसको पूरा बंद कर लेता हूँ, क्योंकि भैया मैं चाहता नहीं है कि स्पाइडर बाहर आ जाए, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो इतना होने के बाद अभी
मैं इसको नीचे लगाऊं कि ऊपर लगाऊं इसको? तो ऊपर वाला लगाऊंगा तो कोई सर मैं मार नहीं पाऊंगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, जो अपने ये पड़े हुए क्या बोल रहे इनको हॉपर पड़े हुए थे इनको ऊपर लगा देता हूँ, ताकि मेरे जो एक्सपी वगैरह है तो वो इनके बीच में ना अटके, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो फार्म इतना कम्प्लीट हो ही चुका है, तो अब हमें ऊपर भी जाना है, क्योंकि बेसिकली अब हमारा ऊपर भी थोड़ा बहुत काम बचा है। क्योंकि यार गाइस यार अभी हमें ऊपर क्या करना है गाइस, ऊपर जाके हमें टॉर्च वगैरह तोड़नी है, तो उतना ही काम है हमारा। उसके बाद हमारा जो स्पाइडर वगैरह है स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, तो अभी हमें ये काम बचा हुआ है कि जो कि इसको पूरा बंद करना है। भैया ये मैं भूल गया था, इसको पूरा बंद करना है यार। तो अभी जल्दी से जल्दी एक काम कर लेते हैं, इस पर काम करना चालू कर लेते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ गाइस यार, मैं इसको पूरा मतलब बंद करने के बाद ही मिलता हूँ, थोड़ा बहुत तो इसको टाइम लगने वाला है इसको पूरा बंद करता है, ठीक है। तो रुको, तो फाइनली गाइस मैंने इसको तो पूरा बंद कर लिया। तो अभी यार मैं यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर टॉर्च भैया लगी पड़ी हुई है दो तीन, तो मैं एक टॉर्च तो यहाँ से निकाल लेता हूँ। भैया यार गलती से वहाँ लग गया ब्लॉक, ओके यहाँ पर आना है। तो टॉर्च निकालने के लिए मतलब मेरे को बेसिकली एक टॉर्च भी निकालनी है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक स्लैब भी प्लेस करना है, ताकि यार जितने भी स्पाइडर वगैरह हैं वो इसके ऊपर स्पॉन ना हो। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अभी फ़िलहाल तो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर अंधेरा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर स्पाइडर्स वगैरह स्पॉन नहीं हो रहे हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको पूरा तो ओके गाइस। तो तुम लोग देख सकते हो स्पाइडर वगैरह स्पॉन होना चालू हो चुके हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। भाई यार टूट जाना, तो ओके गाइस ये वाला रास्ता भी मैं बंद कर देता हूँ अभी जल्दी जल्दी। तो एक काम कर लेता हूँ गाइस यार, मैं उन दो टॉर्चों को भी तोड़ने के बाद मिलता हूँ तुम लोगों से, ठीक है। तो फाइनली गाइस यार ऊपर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर स्पाइडर वगैरह भी आ चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो। भैया ये रहो मतलब एक्सपी मतलब अगर मैं देखा जाऊँगा तो हमारा जो वो वाला फार्म है ना वो ज़्यादा मतलब काम का फार्म है, जो हमारा ज़ॉम्बी एक्सपी फार्म है ना वो ज़्यादा काम का फार्म है, तो वहाँ पर मेरे को लगता है ज़्यादा मतलब स्पॉन होते हैं। बट यहाँ पर पता नहीं यार ये किल हो जा रहे हैं, नीचे आके किल हो जा रहे हैं, तब पता नहीं यार इनके साथ क्या चल रहा है, वो जब भी नीचे आ रहे हैं तो किल हो रहे हैं, तब क्या ही ग्लिच चल रहे हैं इनके साथ, किसको पता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, होप तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हमने फिलहाल तो अपना जो स्पाइडर एक्सपी फार्म है तो वो तो कंप्लीट हो चुका है, पास में ही अपने दोनों एक्सपी फार्म। अब देखते हैं गाइस यार अब नेक्स्ट वाली वीडियो में, तुम लोग बता देना अगर तुम लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में कोई फार्म बिल्ड करना, मतलब अगर तुम लोग को चाहते हो मैं कोई फार्म बिल्ड करूँ तो मैं वो उस पर भी नेक्स्ट वाली वीडियो ला सकता हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि कोई और मैं गेम खेलूँ तो वो भी तुम लोग बता सकते हो कमेंट में, गाइस कमेंट ज़रूर से कर देना, ओके। तो आई होप तुम लोग आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। तो चलो गाइस सर मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए और मज़े उठाते रहिए, बाय बाय।